मारने के बाद कैंपस में छुपक जाते हैं ये लोग, मारने के बाद कैंपस में भागते हुए मारते हुए वीडियो। कहीं ना कहीं कैंपस की मिली भगत कैंपस के अंदर शरण दे रखी है। केंद्र सरकार के दो कानूनों के विरोध में देश की राजधानी में बीते दो साल पहले दंगों की आग सुलग गई थी और वो दो कानून थे CAA और NRC, जिसका विरोध देश भर के मुस्लिम समाज ने किया था। मुस्लिम समाज के लोगों ने दिल्ली के शाहीन बाग में इन कानूनों के खिलाफ करीब 100 दिनों तक सड़क रोक धरना प्रदर्शन किया था। दिल्ली को नोएडा और फरीदाबाद से जोड़ने वाले एक अहम रास्ते को रोक दिए जाने से रोजाना लाखों लोगों को परेशानी हो रही थी। फिर बाद में धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ा, लेकिन कुछ हिंदू समाज के लोगों के मन में वो डर आज भी है, जिसके कारण कुछ हिंदुओं ने पलायन कर लिया और कुछ आज भी करने के लिए मजबूर हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। देश की राजधानी में हुए दंगों को 2 साल होने को हैं, लेकिन फिर भी वो डर वो मंजर लोगों के जहन में आज भी है, जिसको लेकर तमाम हिंदू परिवारों के लोग पलायन कर चुके हैं और कुछ पलायन करने की सोच रहे हैं। पलायन जैसी बड़ी परेशानी को दूर करने के लिए हिंदू समाज के लोगों ने दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में ही पुलिस पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया, जहां दंगों से पीड़ित लोगों और DCP नॉर्थ ईस्ट संजय सैन को बुलाया गया। इस पब्लिक पुलिस मीटिंग में हिंदू परिवार के लोगों ने अपनी समस्या और पलायन करने की मजबूरी DCP के सामने रखी। वहीं नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के DCP संजय सैन ने लोगों से कहा कि उनकी इस समस्या का निदान करने के लिए नोडल ऑफिसर को नियुक्त किया गया है। वहीं किसी भी समाज में भय का माहौल ना रहे, इसके लिए हम दूसरे पक्ष के लोगों से भी बात कर रहे हैं। अब देखना तो ये होगा कि पुलिस पब्लिक मीटिंग के बाद इस समस्या का निदान कब तक होगा। आपको बता दें कि उत्तरी पूर्वी दिल्ली के मौजपुर इलाके से बीते कुछ समय पहले एक चौंकाने वाली खबर सामने आई थी। बताया गया था कि मोहनपुरी की गली नंबर 7 में रहने वाले कई हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तमाम तस्वीरें फैलने लगी जिनमें लोगों के घरों के बाहर पोस्टर लगे दिखाई दिए, जिन पर लिखा था धन विशेष के भय के कारण यह मकान बिकाऊ है। यह खबर सामने आते ही उत्तरी पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने इलाके का दौरा किया। वे उन तमाम लोगों से मिले और उन्होंने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इस संबंध में पत्र लिखते हुए इस मामले पर ध्यान देने की अपील की थी। गौरतलब है कि स्थानीय लोग यह भी शिकायत करते हैं कि वहां के क्षेत्रीय विधायक गोपाल राय और दिल्ली सरकार सिर्फ एक ही समुदाय का पक्ष ले रही है। लोगों का कहना है कि दिल्ली सरकार ने मुस्लिम बहुल इलाकों में राहत सामग्री और मुआवजा दिया है, जबकि हिंदू बहुल इलाके में कोई पूछने तक नहीं आता, जिसको लेकर हिंदू समुदाय में दिल्ली सरकार के प्रति आज भी नाराजगी है और उनके मन में एक डर भी है, जिसको लेकर हिंदू समुदाय पलायन को मजबूर है। जिसके बाद अब देखना तो ये होगा कि इस पब्लिक मीटिंग से समस्या का समाधान हो पाता है या नहीं। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।